कल हमने की 3F, आज हम करेंगे 3G। ठीक है, 3G। थ्री जी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट 16/81। ठीक है, अभी तक हमने जो वैल्यू सॉल्व की है उन वैल्यूज में क्या था, एक ही वैल्यू होती थी उसी का हमें स्क्वायर रूट करना होता था। ठीक है, यहां पर कितनी वैल्यू दी हमें, दो वैल्यू दी। ठीक है, तो है ये भी नॉर्मल, ऊपर का ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे का नीचे सॉल्व करेंगे। कैसे, 16 का हो जाएगा 4 × 4, फैक्टर अगर मैं करूं इसके 4 × 4 हो जाएगा 81 का हो जाएगा 9 × 9। ठीक है, तो पेयर में से क्या ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं और नीचे वाले पेयर में से एक ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1/256, 256। ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा, 1/11 × 11 और 256 किसका है, 16 × 16। ठीक है, 11/16। अब आपके मन में आ रहा होगा सर तो डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का आपके समझ में ना आए उसका तुम अलग से कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनका हमें नहीं पता होगा, वहां करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है यहाँ पर, 3/13/36। ठीक है, पहले मिक्स से नॉर्मल में चेंज करेंगे, 36 3 जा 3 × 3 = 6 18, 108 108 और 3 111 और 10 121, तो ये आ जाएगा 121/36। अब हमें पता है 121 किसका है, 11 × 11 है, 36 किसका है, 6 × 6 है। ठीक है, दो वैल्यू है तो एक बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसमें भी दो वैल्यू है तो एक बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 3 × ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 × 33/289। ठीक है, 289 3 जा चलो करते हैं, 3 × 27 = 2, तो 24 और 2 = 26 का 6 का, हाँ सिल को 2 3 × 6 = 2 8 33, तो ये आ जाएगा 5 9 8। पक्का यही आ रहा है ना, 3 9 = 27, 7 2 3 4 = 24 और 2 26 2 3 2 = 6 287। हाँ गड़बड़ हो गई ना ये, 7 3 0 1 0 1 900 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900/289। ठीक है, 900 किसका है, 13 × 30 और 289 किसका है, 17 का, 17 × 17। ठीक है, 20 तक तो स्क्वायर सभी के याद होने चाहिए। ठीक है, तो ऊपर तो 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 17। क्लियर, कोई डाउट? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कुछ अलग लिख दिया है, वही चीज। ठीक है, 1 1 8 3 को अलग लिखा इन्होंने स्क्वायर रूट में, और नीचे दोबारा से स्क्वायर रूट लगाया और उसमें लिखा 2 0 2 3। ठीक है, 2 0 2 3, इसका मतलब भी यही होता है अगर हम ध्यान से देखें तो, एक बार भी लिख सकते हैं इनको, अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 1 8 3
डिवाइड बाय 2023। ठीक है, इनके अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर हो जाएंगे इसके 1183 और 2023 के? मुझे तो लगता नहीं हो जाएंगे भाई। हैं 6 माइनस करें, 3 2 जा 6, 6 माइनस करेंगे 112, 2 का माइनस करें 2 2 जा 4, 11 माइनस 4 7, ये तो 7 से हो रहा है डिवाइड। नीचे वाली वैल्यू देखते हैं, 3 2 जा 6 माइनस करेंगे 7, 2 जा 14, 62। हाँ 7 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इनके फैक्टर तो होने रहे हैं ठीक है, बट दोनों किससे डिवाइड हो रही है? 7 से। देखो 1183 के फैक्टर करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है किसका है, सबसे पहले ही डिवाइड हो रहा है हमारा 7 से। 7 बन जा 7, ठीक है 4 और 8, 7 5 जा 35, ठीक है कितने बचा? 7 5 जा 35, कितना बचा? 33। 7 से तो नहीं हो रहा भाई ये डिवाइड। 7 1 जा 7, क्या बचा यहाँ पर? 3 48। 7 5 जा 35, 48 है ना। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 आएगा यहाँ पे 7 6 जा 42, ठीक है क्या बचा यहाँ पर? 6 और 3, 7 9 जा 63, ठीक है ये 13 से हो जाएगा बाकी डिवाइड। ठीक है पेयर नहीं बनाना, एक पेयर बना 7 एज इट इज रह गया। ठीक है दूसरे वाले के कर लेते हैं 2023, 7 से करेंगे 7 2 जा 14, 6 बचे यहाँ पर, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63, 289। अभी किया था किसका था? 17। ठीक है अब अगर हम यहाँ पर देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 × 13 × 13 upon 7 × 17 × 17। ठीक है इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, ठीक है क्योंकि ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई में है और नीचे भी ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है 13 का पेयर है, एक 13 बाहर आ जाएगा, 17 का पेयर है, एक 17 बाहर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है तो इनको हम साथ में भी लिख सकते हैं, और साथ में लिखा हुआ है तो एक साथ भी लिख सकते हैं, कहां पर? मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। ठीक है प्लस में नहीं करेंगे, प्लस तो वैसे आपका है ही नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है? √98 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 160। ठीक है चलो 98 और 162 दोनों किसी के भी फैक्टर नहीं है ना, दोनों में से एक भी वैल्यू किसी की फैक्टर नहीं है तो कैसे करें? और दोनों मल्टीप्लाई में रूट में, जैसे हमने डिवाइड को लिखा था ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं। और एक चीज और अगर आपके याद हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लास्ट डिजिट क्या है? 8। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2। क्या क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। देखो इसमें 8 है और इसमें 2 है, ठीक है तो इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। साथ में कैसे? एक ही बार लिख लेंगे 98 मल्टीप्लाई 162। ठीक है इनके फैक्टर कर लेते हैं, 98 के फैक्टर करता हूं मैं 2, 98 का आधा क्या होगा? 49, 49 के फैक्टर हो जाएंगे 7 × 7 मल्टीप्लाई 162 का आधा क्या होगा? 81 और 81 के फैक्टर हो जाएंगे 3 3। ठीक है देखो 7 का भी पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया और 3 के दो पेयर बने, तो 2 × 3 × 3 × 7। क्लियर? स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने पेयर में से एक वैल्यू 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, तो 126 का स्क्वायर है ये वैल्यू। ठीक है ये एक्सरसाइज आपकी इतनी ही थी, ठीक है कल हम आपका टेस्ट लेंगे।